सपोज तो कोई लड़का या लड़की है वो अगले एक साल में इस स्टेज पे पहुंचना चाहता है कि वो अपना पहला ऑफलाइन शो कर दे शो लॉन्च कर दे तो उसको स्टेप बाई स्टेप बताइए मुझे कैसे क्या कैसे जाना चाहिए उसको आगे सबसे पहला कि अगर आपने कविताएँ लिखना चालू कर दिया है तो आप अपनी उस विधा को और अच्छे से जानने की कोशिश करिए क्योंकि कविताओं में बहुत कुछ होता है कविता गज़ल नज़्म ठीक है कसीदे होते हैं दोहे होते हैं चौपाइयाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको पहले स्पेसिफ़िक करना पड़ेगा कि आप किस किस विधा में ज़्यादा अपना हाथ अच्छा रख सकते हैं दूसरा कि अगर आपको लगने लग गया कि आप थोड़ा अच्छा लिख ले रहे हैं आपको साहित्य का अच्छा नॉलेज हो गया है समझ आ चुकी है आपको साहित्य की तो अपने जो शहर हैं उन शहरों में ओपन माइक करने लगे क्योंकि लिखने की कला अलग होती है और परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है प्रदर्शन की कला अलग होती है उन दोनों में बहुत अंतर होता है मैंने बहुत मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छा बहुत उमदा लिखते हैं पर जब वो माइक के सामने आते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो जाते हैं और वो चीज़ें निकाल नहीं पाते ठीक है ये दो फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर जो आज के टाइम में जुड़ गया है वो है ऑडियंस अगर आपको सोलो शो करना है तो आपकी ऑडियंस होनी चाहिए ऑडियंस तो के लिए रील रील बना सकते हैं आप पूरा एपिसोड या क्लिप देखें हमारे नव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर